सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आप सबके लिए फिर से एक बार एक वायरल इस फोटो वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ, जो कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर देख ही लिया होगा। तो गाइस, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के स्टार्टिंग पर जिस तरीके का वीडियो देखा, इस तरीके का वीडियो अब इंस्टाग्राम के रील्स पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। और जो भी बंदा इस तरीके का वीडियो बना के अगर इंस्टाग्राम के रील्स पर अपलोड कर रहा है, तो फ्रेंड्स उसका वीडियो वायरल हो ही जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ इसी तरीके का वीडियो बनाने सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको अपना कुछ इस तरीके का वीडियो बनाना है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आएगा। एंड इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का वीडियो लेके आता रहता हूँ। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बस आप लोग वीडियो देखते हैं, बट आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने में एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता, सारा चीज फ्रेंड्स फ्री है, फिर भी आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और देखिए फ्रेंड्स, आप सबका ही फायदा है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसी तरीके का ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेके आता रहता हूँ, जिससे गाइस आप इस तरीके का वीडियो बना के अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी सवाल क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका मैसेज रिप्लाई जरूर करूंगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो फ्रेंड्स इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो आप विजिट करके मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इस एप्लीकेशन का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस प्लस का आइकन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 9:16 वाला रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना वीडियो को ऐड कर लेना है। आप जो भी अपने वीडियो को शूट किए होंगे तो अपने वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले इसके साउंड को गाइस मैं यहां से म्यूट। इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पर आना है एंड आपको लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर लेना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको वीडियो का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना, उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आ चुका है स्क्रीन पर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको साइड में इस तरफ आपको मिल जाएगा नीचे में ऑप्शन एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, तो आपको मैं दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स ये आ चुका है, आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस वीडियो का जो साउंड है एक्सट्रैक्ट होकर निकल जाएगा, और आपको इस जगह से इस वीडियो को आपको डिलीट कर देना होगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, वीडियो डिलीट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो को आप इस तरीके से जूम कर लीजिएगा, आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो अपने वीडियो को एक बार ओपन करके सुन सकते हैं कि आपके साउंड पर किस जगह से बीट स्टार्ट होता है। तो गाइस, मुझे पहले से पता है कि इस साउंड पर किस जगह पर बीट आता है, फिर भी गाइस आपको मैं सुना देता हूँ। तो देखिए गाइस, इस जगह से हमारा बीट आता है। सेम आपको गाइस इसी जगह पर आना होगा, देख लीजिए इस जगह से हमारा बीट आता है। तो सेम आपको इसी जगह पर आना है एंड आपको इसके बाद आपको क्या करना है, आप टाइमिंग भी देख लीजिएगा। इस टाइमिंग कितना है, 3 सेकंड है, 7:82 है, कुछ इस तरीके की टाइमिंग है। तो आप देख लीजिएगा, सेम आपको इसी जगह पर आना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले गाइस आपको देख लीजिए आपको इसी जगह पर रहना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कैंची के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना है, इस तरीके से आपको कट कर लेना है इसके पीछे का पार्ट को। एंड इसके बाद आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप किसी जगह पर आना होगा, कुछ इसी जगह पर आपको रहना है। एंड इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको एडिटिंग में क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको इसे कर देना है फिल स्क्रीन, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर में ऑप्शन मिलता है डिफॉल्ट ड्यूरेशन फोटो आ क्लिप ऑफ आ फोटो आ क्लिप, तो आपको इस ऑप्शन में इसके जो गाइस टाइमिंग है आपको कुछ इस जगह पर इसे रख देना है, कुछ इस तरीके से सेम आपको इस जगह पर रख देना 2 पॉइंट में, फिर आपको टिक पर क्लिक कर लेना होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना 18 फोटो को ऐड कर लेना है, आपको अपना 18 फोटो को ऐड कर लेना होगा। अगर आपके पास उतना फोटो नहीं है तो फ्रेंड्स आप उसी फोटो को दोबारा ऐड करके अपने 18 फोटो को पूरा कर लीजिएगा सिलेक्ट करके। तो सबसे पहले अपने 18 फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ।
तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने 18 फोटो को ऐड कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो लास्ट का फोटो होगा उसके लेंथ को गाइस अभी से इतना बढ़ा लीजिएगा अपने साउंड के हिसाब से, आपको इतना कर लेना है। और देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा वीडियो फाइनली बनके तैयार हो चुका है, वो भी इजी तरीके से। तो अभी गाइस इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा वीडियो साउंड के बीट के हिसाब से किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो गाइस आपने देखा कि हमारा वीडियो किस तरीके से बनके तैयार हुआ है, तो आप भी अपना खुद का इस तरीके का वीडियो बना सकते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो को सेव करने के लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है जिस भी क्वालिटी में अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस ऑप्शन में क्लिक कर देना है तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।